साथियों, भाजपा सरकार का मतलब ही है देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है। देश की उम्मीद ही हमारे लिए आदेश होता है। इसलिए हम वायदे करते हैं तो इसे पूरा करके भी दिखाते हैं। साथियों, हमने महाराष्ट्र सहित पूरे देश से प्रॉमिस किया था और हमने वादा किया था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए नई कोशिश, नए प्रयास करेंगे। आज मैं ये संतोष के साथ कह सकता हूं कि देश उस सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रता से लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा का, भावना का प्रकटीकरण। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हिंसा के, आतंक के, अलगाव के, भ्रष्टाचार के कुचक्र से निकालने के लिए है। ये फैसला भारतीय एकता और अखंडता के लिए, ये हमारी प्रतिबद्धता तो थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा, उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे इस निर्णय से सहमत हैं? आप खुश हैं? आप खुश हैं? अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब आप नारा सुन रहा था, आप नारा लगा रहे थे कश्मीर हमारा है, लगा रहे थे ना? आम आम नारा लगाना है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है, वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया, जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे, सारा देश लगेगा। आप कश्मीर की भलाई के लिए आगे आएंगे? वहां के लोगों की भलाई के लिए आगे आएंगे? उनके गांवों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे? मेरी देशवासियों से यही अपेक्षा है, आओ कश्मीर के दुखों पर मेहरम लगाएं। 40 साल से उन्होंने जो यातनाएं झेली है, दिल्ली की गलत नीतियों के वो शिकार हुए हैं, अब देश का काम है उनको मुसीबतों से मुक्ति दिलाना। दोस्तों, भाइयों और बहनों, देश को एहसास है इस फैसले की आड़ में
अस्थिरता और अविश्वास फैलाने की तमाम कोशिशें सरहद के पार से हो रही है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिशें हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा साथी, वहां की माताएं बहनें हिंसा के इस लंबे दौर से बाहर निकलने के लिए अब मन बना चुके हैं। वो विकास चाहते हैं, रोजगार के नए अवसर चाहते हैं। आपका ये सेवक, आपकी ये सरकार आप सब लोगों के साथ को लेकर के जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर विकास का नया युग शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नई संभावनाओं को गले लगा रहा है, लेकिन मैं हैरान हूं कि विपक्ष के हमारे साथी इसमें भी राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। इतना बड़ा फैसला देश ने लिया है, ये ठीक से लागू हो पाए और कम से कम परेशानी के साथ लागू हो पाए, इसके लिए पूरा देश एकजुट है कि नहीं है? पूरा देश एकजुट है कि नहीं है? हिंदुस्तान के हर कोने में लोग एकजुट है कि नहीं है? गांव का भी इंसान साथ है कि नहीं है? पढ़ा लिखा भी साथ है कि नहीं है? अनपढ़ व्यक्ति भी साथ है कि नहीं है? बड़े बुजुर्ग भी साथ है कि नहीं है? नौजवान भी साथ है कि नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के, एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह का बर्ताव और सहयोग करना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है। मेरी आलोचना करें, देवेंद्र जी की आलोचना करें, ये उनका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रहित में ऐसी बातें करना जो आतंक परस्तों के लिए अपप्रचार का हथियार बन जाए, विदेशों में उनके बयानों के आधार पर भारत पर हमला हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है।